गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले फोटोशॉप के अंदर कुछ शॉर्टकट्स जो आपके काम को काफी आसान करा देंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है ब्रश साइज को चेंज करना। आप सिंपली देख सकते हैं कि कीबोर्ड के ऊपर ब्रैकेट्स को आप यूज करके, स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके आप राइट और लेफ्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अलावा एक मेथड है, आपको ऑल्ट प्रेस करना है और माउस के ऊपर आपको राइट क्लिक प्रेस करना है। आप अगर राइट में चले जाएंगे तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, आप लेफ्ट में चले जाओगे तो इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। और एक इसके अंदर ऑल्ट प्रेस करके आप अगर राइट क्लिक करके माउस को ऊपर लेके जाओगे तो इसका जो थिकनेस है वो हार्डनेस है वो कम हो जाएगा और ये सॉफ्टर बनता जाएगा, और अगर आप डाउन चले जाओगे तो ये हार्डर बनता चला जाएगा। दूसरा जो मेथड है तो फोटोशॉप का जो इंटरफेस है अभी जो आप देख रहे हो ब्लैक है, तो इसको चेंज करने के लिए आपको सिंपली शिफ्ट और F2 दबाना है तो ये व्हाइट होता चला जाएगा, और शिफ्ट और F1 प्रेस करोगे आप तो ये डार्कर होता चला जाएगा। ये सिंपल मेथड है, आप शिफ्ट F2 दबाइए आपका इंटरफेस चेंज होकर व्हाइट हो जाएगा, और आप शिफ्ट F1 दबाएंगे तो आपका इंटरफेस ब्लैक की तरफ चला जाएगा। थर्ड वाला जो शॉर्टकट है वो लेयर के लिए है। लेयर्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको विदाउट माउस सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करके आप अप या डाउन कर सकते हैं। दोनों में ब्रैकेट्स को आप यूज़ करके देखिए, राइट वाला जो है अप चला जाएगा और लेफ्ट वाला जो है डाउन चला जाएगा। आप इस तरह से किसी भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ कि कंट्रोल प्रेस करके आप अगर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे तो ये जो रेड कलर का जो लेयर है आपका, ऑरेंज कलर का लेयर, ये अगर मैं राइट दबाता हूँ ब्रैकेट कंट्रोल प्रेस करके तो ये ऊपर चला जाएगा, इसके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सिंपली यहाँ पे आप लेयर का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं ब्रैकेट्स और कंट्रोल दबा के। नेक्स्ट वाला जो शॉर्टकट है वो ओपेसिटी के रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपेसिटी 100% है, अगर मैं इसको माउस से ड्रैग करूँगा लेफ्ट की तरफ तो यहाँ पे ओपेसिटी कम होती जाएगी। इसको आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैं नम पैड के ऊपर यहाँ पे 5 प्रेस करूँगा तो इसकी ओपेसिटी 50% हो जाएगी, अगर मैं 2 प्रेस करूँगा तो इसकी ओपेसिटी 20% हो जाएगी, अगर मैं 3 प्रेस करूँगा तो इसकी ओपेसिटी 30% हो जाएगी, अगर मैं 0 प्रेस करूँगा यहाँ पे नम पैड के ऊपर तो इसकी ओपेसिटी वापस से 100% हो जाएगी। और लास्ट वाला जो शॉर्टकट है, आर प्रेस करेंगे आप यहाँ पे तो आप आपके कैनवास को रोटेट कर सकते हैं। ये काफ़ी यूजफुल ट्रिक्स है, आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।